आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। देखो भाई, दिखाएं कि समुच a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में r इक्वल टू ए बी सच डेट a तथा b दोनों सम है, या तो दोनों या तो सम है या विषम है। मतलब r के अंदर वही कर्मित्व में a भी आएगा जिसमें a और b के स्थान पे या तो सम रहेगा, a और b के स्थान पे या तो विषम रहेगा। परिभाषा संबंध r है तो दिखाएं कि r एक तुल्यता संबंध है। पुनः दिखाएं कि उपसमुच 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देख लीजिए, सभी विषम संख्या दिया हुआ है, तथा उपसमुच 2, 4, 6 इसमें सब सम संख्या दिया हुआ है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन उपसमुच इतना का कोई भी अवयव उपसमुच इतना के अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए तो पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है तो देख सकते हैं बच्चों जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लिख लिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तक ही है, लेकिन 5 तक नहीं, 7 तक होगा, क्योंकि जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए इसमें 7 तक दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 6 तक है। ठीक है, इसलिए ए में जो अवयव दिया हुआ 6, 7 तक है। ठीक है, और आर जो है ए पर संबंध है, तो आर कैसा संबंध है? आर बोल रहा है कि हमारे अंदर वैसा कर्मित्व गुण आएगा जिसमें दोनों यानी ए और बी के स्थान पर या तो सम होगा और ए और बी के स्थान पर या तो विषम होगा। मतलब आर के अंदर जैसे मान लीजिए 3 और 5 दोनों विषम है तो ये आ सकता है, 2, 4 ये दोनों सम है तो ये आ सकता है, लेकिन 2 और 3 इस तरह का अवयव नहीं आएगा, यानी एक सम एक विषम वाला अवयव नहीं आएगा। जब भी आएगा जिसमें दोनों विषम रहेगा या दोनों सम रहेगा वही अवयव आर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए तो हमको सिद्ध करना है कि आर जो है एक तुल्यता संबंध है। फिर हमको ये भी दिखाना है कि 1, 3, 5, 7 का सभी अवयव जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, और 2, 4, 6 का भी जो अभी अभी वो एक दूसरे से क्या संबंधित है। ठीक है, इस तरह से चार को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखिए a बराबर दिया हुआ है कितना, तो a बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले करना है कि हम लोग को a क्रॉस a निकालना है ना, आप लोग भी a क्रॉस a निकाल लीजिएगा कॉपी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और गुना लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए हम यहाँ गुना करके नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे r निकालेंगे, आप तो गुना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो r क्या बोल रहा है? r बोल रहा है कि हमारे अंदर ऐसा कर्मित्व गुण आएगा जिसमें दोनों सम रहेगा या दोनों विषम रहेगा, है ना। r के अंदर ऐसा कर्मित्व गुण आएगा जिसमें दोनों स्थान में सम रहेगा या दोनों स्थान में क्या रहेगा, विषम रहेगा। ठीक है, वैसा ही कर्मित्व गुण आर के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो देखिए 1, 1, 1, 1 है ना, 1, 1 दोनों क्या हो जाएगा, विषम है, ये हो सकता है। और 1 को गुना करेंगे 2 से तो 1, 2 यानी इसमें एक सम एक विषम है, ये नहीं होगा। फिर 1, 3 इसमें दोनों विषम है, ये हो जाएगा। 1 गुना करेंगे 5, 4 से ये नहीं होगा, क्योंकि 1 है विषम और 4 है सम, ये नहीं होगा। 1, 5 यानी 1, 5 हो जाएगा। फिर 1, 6 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 है सम और 1 है विषम, या दोनों सम होना चाहिए या दोनों विषम होना चाहिए, 1, 7, 1, 7 हो जाएगा। चलो अब दूसरे करते, 2 और 1 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 है सम और 1 क्या है विषम, 2, 2 ये हो जाएगा। फिर 2, 3 ये नहीं होगा, 2, 4 ये हो जाएगा, 2, 5 ये नहीं होगा, 2, 6 हो जाएगा, फिर 2, 7 भी नहीं होगा। 3 से चलते हैं, 3, 1 हो जाएगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, 4 भी नहीं होगा, 3, 5 हो जाएगा, आर के अंदर 3, 5 हो जाएगा, 3, 6 नहीं होगा, 3, 7 हो जाएगा। चलिए 300 हो गया, अब 400 देखिए, 4, 1 नहीं होगा, 4, 2 हो जाएगा, दोनों सम है, दोनों सम है। 4, 3 नहीं होगा, 4, 4 हो जाएगा, 4, 5 नहीं होगा, 4, 6 हो जाएगा, 4, 7 नहीं होगा। 5 से कीजिए, 5, 1 हो जाएगा, फिर 5, 1 हो जाएगा, फिर देखें 5, 1, 5,2 नहीं होगा, 5, 3 हो जाएगा, 5, 4 नहीं होगा, 5, 5 हो जाएगा, 5, 6 नहीं होगा, 5, 7 हो जाएगा। चलिए फिर 6, 1 नहीं होगा, 6, 2 हो जाएगा,
3 नहीं होगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 भी नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा, 6 7 भी नहीं होगा, 7 1 हो जाएगा, 7 2 नहीं होगा, 7 3 होगा, फिर 7 4 नहीं होगा, 7 5 होगा, फिर 7 6 नहीं होगा, 7 7 होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो हमको अब चेक करना है कि आर तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर 1 में है, नंबर 1 चलिए, तो नंबर एक में क्या है कि आर को दिखाना है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं समतुल्य, सतुल चेक कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि यहाँ पे हमको a बराबर दिया हुआ है, a बराबर जो अभी दिया हुआ, क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसके अंदर 1 है तो r के अंदर भी 1 1 है, ये 2 है तो r के अंदर भी 2 2 है, 3 है तो r के अंदर भी 3 3 है, 4 है तो r के अंदर भी 4 4 है ना, आर के अंदर भी 5 5 है, फिर 6 6 है, फिर 7 7 है, सभी है आर के अंदर, इसलिए आर क्या कहलाएगा, आर क्या कहलाएगा, आर सतुल संबंध है, आर जो है वो सतुल्य संबंध है। चलिए बी नंबर देखिए, सममित, तो सममित, सममित क्या बोलता है, मेरे अंदर सीधा तो मेरे अंदर उल्टा वाला भी होना चाहिए। इसमें कोई भी अभी ले लीजिए, देखें जैसे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 3 1 है और 1 आर के अंदर देखें 3 1 भी मिल जाएगा, 1 3 लिए तो 3 1 भी मिलेगा आपको, देखा 3 1 है ना, 3 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए किसी का भी देखिएगा है ना, किसी का भी ले लीजिए जो सीधा और उल्टा उसमें मौजूद है ना, सीधा उल्टा मौजूद। देखे जो 1 5 तो 5 1 भी है, देखे 1 7 तो 7 1 भी है ना, सभी का उल्टा ऐसा मौजूद है, इसलिए एक सममित संबंध भी होगा। तो लिख देंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, उतना सब लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध है, आर क्या है, सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। चलिए उसके बाद सी नंबर देखें, संक्रामक जांच कर लेते हैं, संक्रामक भी हो जाएगा है ना, आप लोग किसी को भी उठा के देख सकते हैं, संक्रामक भी हो जाएगा। देखिए अगर 1 3 को ए बी मानिए, 1 3 को ए बी मानेंगे, 1 3 अब 3 1 को बी सी मानिए, तो ए सी क्या होगा, 1 1 1 1 है इसके अंदर बिल्कुल है, तो संक्रामक संबंध भी हो जाएगा, आप लोग जांच कर लीजिएगा ना, ये हो जाएगा आराम से ना। तो ध्यान चार लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए लिख देंगे कि आर जो है वो संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। चलिए तो आर तीनों है, इसलिए आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है। दूसरा नंबर हम लोग सिद्ध करते हैं, दूसरा हम क्या बोला कि 1 3 5, 1 3 5 7 ना, 1 3 5 से दूसरा नंबर सिद्ध करने क्या बोल रहा है कि 1 3 5 7 का सभी अभी अभी एक दूसरे से संबंधित है, तो 1 3 5 7 ये सब, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। देख लीजिए आर में जो जितना भी विषम संख्या सब एक साथ है, देखिए 1 1 1 3 1 5 1 7, फिर देखिए 3 1 3 3 3 5 3, जितना भी विषम संख्या है सब एक साथ है ना, जितना भी विषम संख्या सब एक साथ है ना, लिख सकते हैं चूंकि 1 1 1 3 है ना, 1 5 1 7, फिर अब क्या हो गया 3 1, ये सभी अवयव जितना विषम वाला है सभी एक साथ है आर के अंदर, इसलिए लिखेंगे कि 1 3 5 7 का सभी अवयव, का सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से
है ना, क्योंकि आर के अंदर सम वाला सम के साथ है, विषम वाला विषम के साथ है ना। देख लीजिए, आर के अंदर सम वाला सम के साथ है, विषम वाला विषम के साथ है, और 1 3 5 7 के विषम संख्या है, इसलिए सभी अभी एक दूसरे संबंधित हैं। और तीसरा बोल रहा है कि 2 4 6, तो सम वाला सम के साथ बोले ना, सम वाला सम के साथ है, जैसे कि जितना भी सम वाला है संख्या सब सम के साथ ही है ना, जितना भी सम वाला संख्या है वो सभी सम के साथ ही है, लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, इसलिए यहाँ लिख देंगे ना कि 2 4 6 का सभी अवयव, का सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए चौथा में कि 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब देखिए, ये है विषम संख्या और ये है सम संख्या, तो विषम संख्या और सम संख्या जो है आर के अंदर नहीं आया। देख लीजिए, आर में एक भी विषम संख्या और सम संख्या एक साथ है, बता दीजिए, कोई नहीं है। इसमें विषम वाला विषम के साथ है, सम वाला सम के साथ है, लेकिन सम विषम एक साथ नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे 4 नंबर में कि जो है 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, 1 6 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, इस तरह का जो अवयव है वो आर के अंदर नहीं है, सम और विषम वाला अवयव आर के अंदर नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि 1 3 5 7 का सभी अवयव, का सभी 1 3 5 का कोई भी अवयव, 1 3 5 का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव 2 4 6 से संबंधित नहीं है। नहीं, चलिए इस तरह से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 30, आप तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 30, बोले दिखाएं कि समुच इतना में आर इक्वल टू इतना से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, और एक से संबंधित सभी अवयवों का समुच लिखें, एक से संबंधित सभी अवयवों का समुच लिखें। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, देखिए ध्यान से, तो लिख लेते हैं, दिया गया है ना, दिया गया है। तो बच्चों लोग देख सकते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है उसका मुख्य मुख्य पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं, क्या दिया गया, तो यहाँ समुच ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आर ए पर संबंध है, आर जो है ए पर संबंध है, कैसा संबंध है यहाँ आर, तो देखिए आर बराबर ए दिया हुआ है, यहाँ देख लेते ए बी सच दैट ए बराबर बी, है ना, मतलब आर के अंदर ऐसा कर्म युग्म आएगा जिसमें ए और बी दोनों बराबर रहेगा, ए और बी दोनों क्या रहेगा आपस में बराबर रहेगा, तो हमको सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। और इसमें साथ में एक चीज और है इसमें, और एक से संबंधित सभी अवयव का समुच भी लिखना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ए को अच्छे रूप से लिख देते हैं, क्या बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, हाँ जेड है पूर्णांक संख्या, और 0 < x < 12, इसका मतलब हो गया कि ए के अंदर जो संख्या है वो 0 और 12 है, और 0 12 के बीच में है, मतलब 0 से लेकर 12 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ये दिया हुआ है। चलिए तो आप बोल रहा आर के अंदर ऐसा भी अब आयकर में तुम आएगा जिसमें ए बराबर बी होगा ना, देखिए ध्यान से कि यहाँ आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी सच डैट ए बराबर बी, यानी आर के अंदर ऐसा कर्मित युग्म होगा, है ना, आर के अंदर ऐसा कर्मित युग्म होगा, ऐसा कर्मित युग्म होगा जिसमें ए बराबर बी, तो सिंपल है कि आर के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो 1 1 आ सकता है ना, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, क्योंकि तो दोनों बराबर ना बोल रहा है, तो और ए समुच ए में अभी अब दिया हुआ 0 से लेकर 12 तक, तो इसमें 0 0 भी रहेगा, है ना, इसमें 0 0 भी आएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसमें 0 0 भी आएगा,
आर बराबर 0 0 भी होगा, ठीक है, सिद्ध हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है, 8 8 भी हो सकता है, 9 9 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है, 11 11 भी हो सकता है, और 12 12 भी हो सकता है, ठीक है, यही होगा आर के अंदर, क्योंकि आर के अंदर से देख सकते हैं आर। चलिए इसमें एक प्रश्न आर में इसमें सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, तो ध्यान रखिएगा बराबर का संबंध तुल्यता संबंध होता है, याद कीजिए, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ना चूंकि हम जानते हैं यहाँ बराबर संबंध बराबर का है, चूंकि हम जानते हैं कि बराबर का संबंध ना बराबर का संबंध बराबर का संबंध तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है, इसलिए आर भी तुल्यता संबंध होगा, इसलिए आर भी तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। चलिए और बोल रहा है, हाँ इसमें एक चीज और बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपका कि एक से संबंधित सभी अवयव का समूह बताइए, एक से संबंधित ना एक से संबंधित सभी अवयव का समूह, एक से संबंधित सभी अवयव का समूह, ठीक है, ठीक है, तो एक से संबंधित एक से संबंधित सभी अवयव का समुच्चय, सभी अवयव का समुच्चय, एक से संबंधित, तो देखिए तो ए में कितना अवयव दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो बोल रहा ऐसा है ना अवयव जिसमें एक होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, देखिए पहला नंबर तो एक एक हो जाएगा ना, तो जब हम लोग एक गुना एक करेंगे है ना, जब हम लोग इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 बार यानी एक गुना एक करेंगे, तो उसमें एक एक जिसमें आएगा वो सभी को लिख दीजिए, एक एक जिसमें आएगा वो सभी को लिख देना है, तो देखिए डायरेक्ट लिख लेते हैं गुना करने से क्या, एक एक फिर एक दो फिर एक तीन एक चार है ना, एक चार एक पाँच है ना, इस तरह से कहाँ तक आएगा, 1 12, फिर आपका उल्टा हो जाएगा है ना, उल्टा 2 1 फिर 2 1 फिर 3 1 फिर 4 1 5 1 6 1 7 1 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 12 1 तक, और फिर आपका हो जाएगा 1 1, 1 1 बीच में होगा, इतना अवयव होगा एक से संबंधित है ना, एक से संबंधित इतना अवयव होगा, बस यही लिख देना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, लिखा माना कि a बराबर 1 2 3, तो दिखाएं कि a पर 2 3 तथा 3 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है ना, तुल्यता संबंधों की संख्या कितना है, 2 है ना, ये हमको दिखाना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग दिखाते हैं, तो प्रश्न संख्या 31 तो देखिए दिया गया है, दिया गया है, कुछ मतलब देख सकते हैं हमें लिख लिए हैं, दिया गया है 1 1 2 1 2 3, तो हमको दिखाना है कि 2 3 तथा 3 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, मतलब हमको 2 ऐसा संबंध बनाना है जिसमें हमको 2 3 और 3 2 को शामिल करना है, और इसको शामिल करते हुए वो दोनों जो संबंध बनेगा वो दोनों क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध, ठीक है। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से, तो ऐसे संबंध के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, चलिए तो इसको जब गुना करेंगे 1 गुना 1 तो जाएगा 1 1,
वन गुना टू वन टू, वन गुना थ्री वन थ्री, फिर टू गुना वन टू वन, टू गुना टू टू टू, टू गुना थ्री टू थ्री, फिर थ्री गुना वन थ्री वन, थ्री गुना टू थ्री टू थ्री गुना थ्री थ्री थ्री। तो हमको दो संबंध बनाना है ना, दो संबंध जिसमें टू थ्री या थ्री टू को शामिल करना ही पड़ेगा, अब तुलिता संबंध होना चाहिए। चलिए तो नंबर एक दो संबंध बना लेते हैं, आर वन बराबर। चलिए तो सतुल्य तुलिता संबंध बनाने के लिए सबसे पहले ये तो हमको कंपलसरी है लेना, वन वन टू टू और थ्री थ्री, ये तो लेना ही पड़ेगा, वन वन टू टू थ्री थ्री, तभी तो सतुल होगा ना, वन वन टू टू और थ्री थ्री, ये तीन को ले लिए। अब फिर हमको ये भी शामिल करना है, टू थ्री थ्री टू को भी शामिल करना है। चलिए तो टू थ्री और थ्री टू को शामिल कर दें, ये जो प्रश्न बोल रहा था। तो आप समझिए अभी जो हमारा रिलेशन बना है वो क्या बना है, ये जो रिलेशन बना है वो सतुल्य है और सममित है, क्योंकि देखिए सतुल कैसे है, इसमें वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, ये सतुल हो गया ना। अब देखिए टू थ्री तो टू थ्री का उल्टा क्या होता है, थ्री टू। चलिए तो ये सममित भी हो गया। चलिए हमको बनाना है क्या चीज, इसमें हमको बनाना है संक्रामक। अब ये बनना चाहिए संक्रामक, तो देखिए ध्यान से, अब ये संक्रामक कैसे बनेगा है ना, संक्रामक ये बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगर देखिए क्या शामिल कर लिए, वन वन को शामिल कर लिए हैं, टू टू को शामिल कर लिए हैं, थ्री थ्री को शामिल कर लिए हैं, और टू थ्री को शामिल कर लिए हैं, और थ्री टू को शामिल कर लिए हैं, तो अब बचता है मेरे पास कितना अवयव, एक दो तीन चार अवयव बचता है ना, चार अवयव बचता। चलिए तो इस पहले इतना सही जांच कर लेते हैं कि संक्रामक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको लेके देखते हैं, देखिए ये इसको ए बी मानते हैं, इसको बी सी मानते हैं, टू थ्री और थ्री टू, तो ए सी क्या होगा हमारा, टू टू होगा, तो टू टू इसमें शामिल है। चलिए ए वो तो है शामिल। चलिए उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग ए बी मानते हैं, इसको ए बी मानते हैं, इसको बी सी मानते हैं, तो ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा टू थ्री, तो टू थ्री इसमें तो है ही, चलिए टू थ्री इसमें है ही, टू थ्री तो इसमें है ही। चलिए तो ये यहाँ से भी हो गया। चलिए अब इसको लेके चलते हैं, थ्री थ्री लेके चलते हैं, तो थ्री थ्री को ए बी मानते हैं है ना, ध्यान देखिए थ्री थ्री को क्या मानते हैं, ए बी, थ्री थ्री को ए बी मानते हैं और बी सी इसको मानते हैं, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या होगा, तो ए सी होगा थ्री टू, थ्री टू भी इसमें शामिल है। चलिए तो ये जो है हमारा ये क्या है, संक्रामक भी है ना, मतलब ये एक एक संबंध हमारा बन गया तुल्यता संबंध, ये जो है हमारा तुल्यता संबंध है ना। चलिए तो अब हमको दो को बनाना है, सिद्ध करना है कि दो ये होगा, दो से ज्यादा तो होगा नहीं। चलिए तो आर टू बराबर आर टू, अब आर टू बना लेते हैं, तो ये तो कंपलसरी है ना, आर टू बनाते हैं तो ये हमारा कंपलसरी है, कौन, वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन टू टू थ्री थ्री तो रखना ही रखना है, ये कंपलसरी है, ठीक है, तभी तो ये सतुल्य बनेगा, ऐसे सतुल तो बनेगा नहीं, हमको यहाँ लाना है तुल्यता संबंध, तो वन वन टू टू थ्री थ्री रखना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमको ये भी रखना पड़ेगा, क्या चीज, टू थ्री और थ्री टू, इसको तो शामिल ही करना है ना, टू थ्री और थ्री टू को क्या करना है, शामिल ही करना है। चलिए अब तो अगर इतना ही छोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें आर हमको इसमें लाना है, इसमें ऐसा करते हैं ये ले लेते हैं, वन थ्री ले लेते हैं, वन थ्री, वन थ्री ले, जब वन थ्री लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, जब वन थ्री लेंगे तो थ्री वन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, थ्री वन भी लेना पड़ेगा, उसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, वन थ्री लिए तो थ्री वन भी लेना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए वन थ्री थ्री वन, तो वन वन तो है इसमें। चलिए और देख लीजिए इसको, यहाँ से जाँच कर लेते हैं, इतना रख के पहले जाँच कर लेते हैं कि ये संक्रामक हो रहा है नहीं हो रहा है ना। पहले देखिए सतुल तो है ये, वन वन टू टू थ्री थ्री सतुल है, अब सममित है या कि नहीं देख लीजिए, तो टू थ्री तो थ्री टू है, वन थ्री तो थ्री वन है, सममित भी है। अब संक्रामक का जांच कर लेते हैं कि कहीं हर तरफ से संक्रामक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए टू थ्री और थ्री टू लिए, टू टू होगा इसमें शामिल है, फिर टू थ्री और थ्री वन लिए, टू थ्री और थ्री वन, देखिए टू थ्री लेंगे और थ्री वन लेंगे, टू थ्री यानी ए बी और बी सी, तो ए सी क्या होगा, ए सी होगा हमारा टू वन, ए सी क्या होगा हमारा, ए सी होगा टू वन, टू वन है इसमें, टू वन इसमें नहीं है, इसमें लाना पड़ेगा टू वन, लिख जब टू वन लिखना पड़ेगा तो वन टू भी लिखना पड़ेगा ना, टू वन लिखे हैं इसमें तो वन टू भी लिखना पड़ेगा, देखिए वन टू भी इसमें लिखना पड़ेगा है ना,
वन टू भी इसमें लिखना पड़ेगा, मतलब एक क्रॉस ए का सभी अवयव इसमें चला आया। देख लीजिए, एक क्रॉस ए का सभी अवयव इसमें चला आया ना, एक क्रॉस ए का सभी अवयव इसमें चला आया है। देख लीजिए, ये दोनों को जांच कर लीजिएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये दोनों तुल्यता संबंध होगा, और अब इससे ज्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि आर टू के अंदर एक क्रॉस ए का टोटल अवयव चला आया है ना, आर टू के अंदर एक क्रॉस ए का टोटल अवयव चला आया है। ठीक है, चलिए, तो ये दो को हमारा बन गया तुल्यता संबंध, ये हो गया इसका आंसर। बच्चों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 32, यहाँ लिखा हुआ माना कि ए इक्वल टू ए बी सी, तो दिखाएं कि बी सी तथा सी ए को शामिल करने वाला ना वैसे संबंध जो सतुल तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है की संख्या चार है न की संख्या चार है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है ना, हिंदी में गलती लिखा हुआ था, इंग्लिश पर ही क्या लिखा हुआ है, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज फोर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट देके प्रूफ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए, तो ए में दिया हुआ है कितना, ए बी और सी, तो गुना करेंगे ए बी सी, चलिए इसको गुना कीजिए, ए को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए और ए, ए को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ए को सी से गुना करेंगे तो क्या होगा ए सी, बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए, बी को बी से गुना करेंगे तो बी और बी, बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, चलिए फिर सी को ए से गुना करेंगे तो सी ए, सी को बी से गुना करेंगे सी बी, सी को सी से गुना करेंगे सी सी। देख नौ अभी आया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। चलिए अब हम बनाते हैं संबंध, तो सबसे पहला संबंध बनाते हैं आर वन, जो सतुल और संक्रामक होगा लेकिन सममित नहीं होगा। तो सतुल होने के लिए इसमें हमको रखना पड़ेगा क्या चीज, ए ए बी बी और सी सी, ये सतुल होने के लिए रखना पड़ेगा, और ये दोनों को हमको रखना ही रखना है, बी सी और सी ए को रख लेते हैं, बी सी और सी ए। चलिए फिर इतना से हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो है संक्रामक है या नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो इसको मानिए एक्स बाई, इसको मानिए बाई जेड, क्या होना चाहिए एक्स जेड, तो एक्स जेड है इसमें तो बी ए, तो बी ए इसमें नहीं है, बी ए नहीं, तो बी ए को शामिल कर लेते हैं, बी ए को हम शामिल कर लिए। ठीक है, चलिए और चेक कर लेते हैं बी ए, और बी इसको मानिए एक्स बाई, इसको मानिए बाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा बी ए, तो बी ए तो इसमें है ही, ठीक है बी ए इसमें है ही। चलिए तो ये हम हो गया ना, अब इसमें ये जो है हमारा सतुल और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, है ना, सतुल और संक्रामक लेकिन सममित नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दो नंबर आर टू देखते हैं, आर टू, तो चलिए आर टू में तो हमको इतना तो लेना है ही, ए ए बी बी सी सी, और ये दोनों तो लेना है बी सी और सी ए, इतना क्यों लेते हैं, क्योंकि इतना लेंगे तभी सतुल्य होगा, तो सतुल और संक्रामक होना चाहिए, इतना ले लिए सतुल होने के लिए, और इसको हमको शामिल करना ही है, बी सी और सी ए को शामिल तो करना ही है, ए बी ए, और यहाँ रख लेते हैं सी बी। ठीक है, अब चेक करते हैं ये जो है संक्रामक है या नहीं, है ना, संक्रामक है या नहीं, देखे इसको मानते हैं एक्स बाई, एक्स बाई, और इसको मानते हैं बाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा बी ए, बी ए तो है इसमें है, चलिए और मान के देखते हैं, चलिए और जिस जिससे ही बनेगा, चलिए इसको मान लेते हैं, इससे तो नहीं बनेगा बी सी, इससे बनेगा, देखिए इसको मानिए एक्स बाई, और इसको मानिए बाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा एक्स जेड, एक्स जेड क्या होगा हमारा, एक्स जेड होगा हमारा बी बी, तो बी बी तो है इसमें, ठीक है बी बी है इसमें, और कहीं से चेक कीजिए, और कहीं से चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, और कहीं से चेक कर लेते हैं, चलिए और कहीं से चेक कर लेते हैं, चलिए हो गया है ना, तो ये जो है होगा हमारा ये संक्रामक संबंध होगा, मतलब संक्रामक भी होगा सतुल्य भी होगा लेकिन सममित नहीं होगा। चलिए अब तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा तीन नंबर आर थ्री बराबर, तो आर थ्री में हम लोग ले लेते हैं, देखिए ध्यान से है ना, आर थ्री में, आर थ्री में हम तो रखना ही पड़ेगा सतुल के लिए क्या रखना पड़ेगा ए ए बी बी
और सी सी, ये तो शर्तुल के लिए रखना ही पड़ेगा, और संक्रामक ए, और ये इसको तो हमको शामिल करना ही है, बी सी और सी ए को, बी सी और सी ए को शामिल करना है ना, बी सी और सी ए, जब बी सी और सी ए रहेगा तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, देखिए एक्स वाई बाई जेड, संक्रामक होने के लिए बी ए भी चाहिए, इसमें बी ए भी शामिल रहेगा। चलिए इस बार इसमें शामिल कर लेते हैं ए सी, देखिए अगर ए सी इसमें शामिल कर लिए तो बताइए ए सी अगर आप इसमें शामिल कर लिए तो ये होता है कि नहीं संक्रामक, देख लीजिए है ना, ये तो शर्तुल तो ही है, अब हमको किसी संक्रामक देखना है, संक्रामक देखिए बी सी है ना, बी सी सी ए तो बी ए भी है, फिर देखिए सी ए और ए सी तो ए सी सी भी है, चलिए फिर देखिए और चेक कीजिए, चलिए ये हो गया है ना, ये हमारा क्या हो गया, सममित और शर्तुल्य और संक्रामक हो गया। अब आर फोर चेक कर लेते हैं, आर फोर, चलिए आर फोर निकाल लेते हैं, तो आर फोर में ए ए होगा है ना, बी और बी होगा, और सी होगा है ना, और ये तो रखना ही है हमको, बी सी और सी ए तो रखना ही है, जब बी सी और सी ए रहेगा बी ए तो रहना ही रहना है ना, आप सोचिएगा वो कर्मित युग्म क्या होगा है ना, एक वो कर्मित युग्म अब क्या होगा ये सोचिए, ताकि रखने पर ये संक्रामक हो जाना चाहिए है ना, संक्रामक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसमें हम जो है देखिए ध्यान से है ना, इसमें हम लोग बी ए शामिल किए थे, तो बी तो शामिल करना ही था, इसमें हम लोग सी भी शामिल किए हैं, इसमें ए सी शामिल किए हैं, चलिए इसमें जो है हम लोग शामिल कर लेते हैं है ना, इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं ए बी और सी बी, ए बी और सी बी को शामिल कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए कि ये जो है ना संक्रामक है या नहीं है ना, संक्रामक है या नहीं, ये देखिए ये मान लीजिए एक्स बाई, और इसको मानते हैं बाई जेड, जेड एक्स जेड क्या होगा, बी ए, बी ए इसमें है, चलिए और चेक कर लीजिए है ना, और हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से इसको मान लीजिए एक्स बाई, इसको मान लीजिए बाई जेड, तो एक्स बाई बाई जेड, तो एक्स जेड क्या होगा, बी और बी, तो बी और बी तो इसमें है ही ना, बी और बी तो इसमें है ही, ठीक है, तो चलिए ये आप चेक कर लीजिए पूरा, ये शर्तुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, और इसके अलावा और इसमें कोई नहीं होगा है ना, आप लोग खुद करके खुद से चुन करके बना सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आप कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो है आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।